के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के अनुमोदन के बाद जो प्रदेश कार्य समिति का पुनर्गठन हुआ, उसमें कुछ लोग के दायित्व बदले गए और सभी हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष नए, उन लोगों को काम मिला। आज ऐसे सभी पदाधिकारियों की, प्रदेश पदाधिकारियों की आज प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी हम सबके मार्गदर्शन के उपस्थित रहे और हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम है, अभियान है, उन कार्यक्रमों अभियानों की चर्चा और आगामी दृष्टि के लिए जो हमारे प्रमुख कार्यक्रम है उनमें सहकारिता के चुनाव है, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव है, पार्टी का स्थापना दिवस है और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन है और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस है, हम पार्टी का स्थापना दिवस और समरसता पखवाड़े के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस के रूप में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम पुनर्गठन के बाद बनी है, एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके और हम सब लोग मिलकर भाजपा को एक राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग अच्छे परिणाम, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे नगर निगम के चुनाव हों, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, सब चुनावों में भाजपा सफलता प्राप्त करेगी, इस प्रकार का संकल्प हम सब लोगों ने आज की बैठक में व्यक्त किया। आज अभी अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि दो विधानसभाओं का उपचुनाव आने वाले मई में प्रस्तावित है, हम लोग आपस में बातचीत करके जो भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्योंकि दोनों सीटें अपना दल के कोटे वाली सीटें हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करके और पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ प्रत्याशी घोषित करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष कह रही है कि रामपुर की जो स्वार सीट है वो मैनपुरी की जीत दोहराएंगे, नहीं स्थानीय निकाय के चुनाव की हम लोगों ने जो हमारे संगठन के काम है, संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम लोगों ने आज अंतिम रूप उसे दिया है और हम उस विषय को, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जो हमने, हमारी सरकारों ने नगर ये क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, उन सबको जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता नगर निकाय क्षेत्र में विजय प्राप्त। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र ओबीसी विरोधी है, उनका पिछड़े वर्ग से मतलब है, उनका परिवार, उनका घर और उनकी सेफाई तक सीमित है। वो आरक्षण की सूची की मांग कर रहे हैं, क्या आप लोग भी उनके इस बात से सहमत है कि आप भी चाहते हैं आरक्षण की क्या सूची नहीं है वो आए? आरक्षण जो हमारा कमिटमेंट है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, हम उस कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं और इस संकल्प के साथ के जो संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है, पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के साथ चुनाव में जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।